वेलकम टू मानविका WCIS। सपने सच होंगे, लेकिन उसके लिए पहले सपने देखने होंगे और फिर उन पर लगातार काम करना होगा। तो सपने देखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उन पर लगातार काम करते रहिए और आपके भी सपने सच होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चट्टान, रॉक्स, चट्टानों के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं। अब सबसे पहले रॉक क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट एवायोटिक एंड बायोटिक डिपॉजिट्स, मतलब जो क्रस्ट पर हैं, क्रस्ट पर जो भी हार्ड एंड सॉफ्ट एवायोटिक और बायोटिक डिपॉजिट्स हैं उन्हें रॉक्स कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले मुलायम व कठोर पदार्थ। अब ये बनती कैसे हैं, तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट तत्व। ये क्या है? ए फंडामेंटल आइटम दैट कैन नॉट बी ईजिली ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेज, यानी कि अर्थ पे पाया जाने वाला वह स्मॉलर पीस जो इजीली जो है टुकड़ों में तोड़ा नहीं जाता है। अब एलिमेंट्स कितने प्रकार के हैं अर्थ क्रस्ट पर या अर्थ पर? 118 प्रकार के हैं लगभग, और इनमें 94 जो हैं वो नेचर में, मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं, और बाकी जो बचे उनका क्या होता है कि वो जो है सिंथेटिक रूप में मिलते हैं। और इसके अलावा अब आप सबसे पहले ये समझेंगे कि जो ये एलिमेंट्स से क्या बनता है। एलिमेंट्स के मिलने से ही मिनरल्स का निर्माण होता है, यानी कि ये आप देख रहे हैं एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के मिलने से मिनरल्स का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है अब आप समझिए। जैसे मान लिया एलिमेंट क्या है, कार्बन, एक कार्बन है, और कार्बन के मिलने से क्या होता है, कार्बन से ही क्या बनता है आपको मालूम होगा, खनिज जो होता है वो कोयला, कोल और डायमंड वगैरह बनते हैं। ऐसे ही AU एक एलिमेंट है, और उससे क्या बनता है, सोना। तो ये सोना क्या है, एक मिनरल है। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे मिनरल क्या है और एलिमेंट क्या है। अब बात आती है कि रॉक्स क्या हैं। अब इन मिनरल्स के मिलने से रॉक्स बनती हैं। तो ये मिनरल्स ऐसा भी हो सकता है कि एक ही खनिज, एक ही मिनरल्स की के मिलने से बहुत सारे जो मिनरल्स एक ही उसके हों, एलिमेंट से बने हुए, तो उनसे बन के भी रॉक बन सकती है, और अलग अलग मिनरल्स होते हैं उनसे मिल के भी क्या हो सकता है, रॉक्स बन सकती है। तो इस तरीके से रॉक्स का निर्माण होता है। अब बात आती है ये एलिमेंट्स जो हैं, 8 तरीके के जो प्रमुख मेन रूप से 8 जो हैं, 182 और 118 हैं, लेकिन 8 जो हैं प्रमुख रूप से हैं जो चट्टान के निर्माण में मतलब मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब ये कौन कौन से? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, आयरन मतलब कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अब इसी तरीके से अब हम मिनरल्स की बात करें, खनिज की बात करें, तो खनिजों की अगर क्रस्ट में देखेंगे तो संख्या लगभग 200 से भी अधिक है, 2000 से भी अधिक सॉरी। और इसमें जो 24 हैं वो चट्टान निर्माण में मुख्य रूप से रहते हैं, लेकिन इनमें भी 6 और भी ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब ये 6 कौन कौन से हैं, अब आप देखिए ये 6 हैं, फेलस्पार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फिबोल्स, अभ्रक या माइका, ओलोविन। तो अब आपको पता लग गया होगा कि एलिमेंट्स, मिनरल्स, रॉक्स क्या हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का यूज़ होता है, मतलब ये एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से इनके रॉक के निर्माण में जो मिनरल्स हैं। अब मिनरोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ मिनरल्स या साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिनरल्स। ऐसे ही लिथोलॉजी या पेट्रोलॉजी कैसे कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, अब आपको ये दिख रहा होगा, एक मैंने ये कुछ डायग्राम बना रखे हैं। अब ये क्रस्ट है, क्रस्ट का जो है 5% अगर केवल ऊपरी भाग और बाकी 95% नीचे का भाग अगर देखें, तो 95% नीचे का भाग है इग्नस और मेटाफॉर्मिक रॉक से मिलकर वो है 95% भाग बना है, और ऊपरी भाग जो है वो किस तरीके से है, 5% भाग जो क्रस्ट का है ऊपर, उसमें उसका अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखें अर्थ की सरफेस पे, तो 75% तो जो है सेडिमेंट्री है और 25% जो है अदर्स है। तो इस तरीके से अगर वर्टिकल रूप से देखेंगे तो 95% इग्नियस और मेटाफॉर्मिक है क्रस्ट में, और 5% सेडिमेंट्री है, और मतलब लगभग अब सेडिमेंट्री जो 5% है उसमें, मतलब ऊपरी भाग जो 5% है उसमें 75 सेडिमेंट्री है
और सेस जो है वो मतलब बाकी जो बची रॉक्स हैं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन से समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं रॉक्स। अब जो मैंने अभी बताया था वो रॉक्स ही हैं, ये कितने प्रकार की हैं जो अभी मैंने डिस्कशन करा था। इग्नियस रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटाफॉर्मिक है, या यूँ कहें कि इग्नियस मतलब आग्ने, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी और मेटाफॉर्मिक मतलब रूपांतरित। अब जो है इनको समझते हैं, जो इग्नियस रॉक्स हैं वो और सेडिमेंट्री हैं और मेटाफॉर्मिक हैं, ये कैसे बनी और इनका जो ये नीचे इनकी डिटेल लिखी हुई ये सब कैसे हैं क्या हैं, तो सबसे पहले जानते हैं। ये आपको मालूम होगा कि जो पृथ्वी थी वो सबसे पहले क्या थी, गर्म आग का गोला थी, और धीरे धीरे वो ठंडा हुई, और ठंडा होने के बाद में क्या हुआ, इग्नियस रॉक्स का निर्माण हुआ। किनका, इग्नियस रॉक्स का निर्माण हुआ, और इन्हें इसीलिए मौलिक चट्टान कहते हैं। आज भी जो है इग्नियस चट्टानों का निर्माण हो रहा है, लेकिन आज जो है वो ज्वालामुखी का जो यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस होता है उसके द्वारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है इग्नियस रॉक्स का। पहले जो बनी थी वो तो थी, और उसके बाद में अब जो बन रही हैं उनका जो नए तरीके से निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन से। अब बात आती है कि इसमें जो मैंने ऊपर दे रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नो लेयर्स नो फॉसिल। अब इसमें इस तरीके की जो चट्टानें होती हैं उसमें फॉसिल्स और लेयर्स क्यों नहीं पाई जाती। फॉसिल्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जब पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट का निर्माण हुआ था तो आपको पता होगा कि जो जीव और वनस्पतियाँ उस टाइम उनका इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था। जब इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था तो उसमें वो फॉसिल्स कैसे पाए जाएंगे, वो पाए नहीं जाएंगे। अब बात आ जाती है कि ये क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। अब बात आती है कि इनमें लेयर्स क्यों नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, मैसिव फॉर्म में मैग्मा का जो होता है डिपोजिशन होता है, जब मैसिव फॉर्म में होता है तो इसलिए उनकी लेयर्स नहीं बन पाती। अब आपको दिखेगा कि लेयर्स यहाँ पर मैंने जो है, अब देखिए ये आपको पूरा सिस्टम दिखेगा, तो इसमें आपको एस्थेनोस्फीयर दिख रहा है, यहाँ पर एक क्रस्ट दिख रहा है, फिर ये मैग्मा चैम्बर दिख रहा है, फिर यहाँ पर एक पतली सी एक दरार दिख रही है, और यहाँ पर ऊपर ये इस तरीके से बेसाल्ट दिख रहा है। तो ये सब है क्या, ये क्या है, आपको पता होगा। ये लिथोस्फीयर तो आप जानते हैं, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर बनता है, और उसके नीचे का जो ये एस्थेनोस्फीयर का भाग होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है कि लिथोस्फीयर के नीचे जो मेंटल का है सेमी सॉलिड पार्ट है, ये सेमी सॉलिड मतलब पिघला हुआ पार्ट सा होता है, और जो फ्लो करता है जिसकी के ऊपर क्रस्ट फ्लो करती रहती है। अब क्या होता है कि क्रस्ट को भी जानते हैं आप, क्रस्ट कहीं मोटी होती है कहीं पतली होती है, ये भी आपको पता होगा। अब इससे में भी बात क्या होती है, जब ये एस्थेनोस्फीयर के जब ये मैग्मा चैम्बर वाला भाग दिख रहा है, ये मैग्मा चैम्बर क्यों कहते हैं, कि हम यहाँ पर क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगाने लगते हैं, और जहाँ पर भी उनको मतलब पतला क्रस्ट का पतला भाग मिलता है वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक तरीके से वह दरार बना देते हैं और मैग्मा को बाहर इरप्ट कर देते हैं, यानी कि ये वॉल्केनिक इरप्शन है। अब वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे हम वॉल्केनिक, जब वॉल्केनो पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे, लेकिन एक जनरल आपको आइडिया देने के लिए बता दिया कि जहाँ भी मिनरल मतलब रेडियो एक्टिव मिनरल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं वहाँ पर हॉट चैम्बर बन जाता है, और इस तरीके से वो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाने लगते हैं, और जिस जगह पतला होता है क्रस्ट वहाँ से वो अपना दरार बनाते हुए बाहर की तरफ इरप्शन हो जाता है। अब यही चीज़ जो होती है आपको दिख रही होगी, यहाँ पर सबसे पहले यही चीज़ का निर्माण हुआ। तो ये क्रस्ट नीचे तो पिघल रही है, आपको मालूम होगा नीचे मेल्ट वो है भाग पिघला हुआ, अब यही चीज़ यहाँ से मैग्मा चैम्बर से निकला और इस तरीके से ऐसे आया, इस तरीके से ये बाहर आ गया। अब जो बाहर आया मैग्मा वही जो है ठंडा होने के बाद में बेसाल्ट बन गया, ये बेसाल्ट दिख रहा है ये बाहर, और इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ये अंदर की तरफ, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये ग्रेनाइट दिख रहा है। ग्रेनाइट क्या है, जो भाग इस दरार में रह गया, इस दरार में जो मैग्मा का पोर्शन रह गया वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वो ग्रेनाइट का रूप ले लेता है, क्योंकि उस पर प्रेशर बना रहता है। तो इस तरीके से ऊपर का जो बाहर क्रस्ट के ऊपर दिख रहा है भाग,
वो तो बेसाल्ट हो जाती है, बेसाल्ट की रॉक्स हो जाती हैं, और उसी के अंदर की तरफ है तो ये आपको ग्रेनाइट अंदर की तरफ है, इंटरनल पार्ट। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की बात करते हैं, तो एक्सट्रूसिव रॉक्स जो हुई वो क्या हुई, बेसाल्ट, और जो इंट्रूसिव हुई वो कौन सी हुई, आपकी ग्रेनाइट। तो अब इसी के बाद में यहाँ पे एक ट्रैप दिख रहा होगा। ट्रैप क्या होता है, जैसे एक लंबे अरसे के बाद में क्या हुआ कि दोबारा से इरप्शन हुआ, एक बहुत लंबे टाइम के बाद में, ऐसा नहीं होता वोल्केनो एक ही बार इरप्शन होता है, बार बार इरप्शन होता रहता है, तो एक लंबे लंबे दौर के बाद होता रहता है। अब जब दोबारा से इरप्शन हुआ तो एक लेयर तो पहले से ही जमा हो चुकी थी, फिर उसके बाद में दूसरी लेयर आ गई, तो इन दोनों के बीच में हो सकता है उस बीच में कुछ वनस्पतियों और जीवों का विकास हुआ हो, तो वो पता लगेगा कि इस तरीके से बीच में आके दब जाएंगे और ऊपर से एक लेयर एक नीचे से लेयर के बीच में वो ट्रैप बन जाएगा, तो इसी को ट्रैप कहते हैं। तो ये ट्रैप जो है आपको दक्कन ट्रैप दिख रहा होगा, दक्कन ट्रैप, तो आपको ये दक्कन ट्रैप के बारे में पता लगा होगा। तो ट्रैप क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, ऊपर भी लेयर है बेसाल्ट के, नीचे भी लेयर है, मतलब इग्नियस रॉक्स ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। अब उसमें भी बड़ी बात हो जाती है, बीच में क्या है, अगर वनस्पतियों का उद्भव हुआ है उस बीच में, तो वो बीच में क्या मिलेंगी, वनस्पतियाँ मिलेंगी, यानी कि उनके फॉसिल्स मिलेंगे। तो आपको दक्कन ट्रैप में भी बीच में क्या मिलते हैं, फॉसिल्स का मतलब करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल्स भी वहाँ पर, अगर हम ऊपर की लेयर को तोड़ते जाएं और नीचे की तरफ जाएं तो हो सकता है कि हमें वो फॉसिल्स मिलें, और वैसे मिले भी हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो बेसिक चट्टानें कौन सी हुई या मौलिक चट्टानें कौन सी हुई, वो तो ही इग्नियस रॉक्स, इसी को इसीलिए इसे प्राइमरी क्या कहा गया, प्राइमरी और इग्नियस रॉक्स कहा गया। अब इसमें लेयर्स भी नहीं हुई, फॉसिल्स भी नहीं हुए, और एक क्रिस्टलाइन है। अब आते हैं उसके बाद में अपसादी चट्टानों की बात करते हैं। तो ये आपको मैंने दिखाया है कि सबसे पहले मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, जिससे पता लगा ये आपको इग्नियस रॉक्स बनी रही हैं, ये सब है इन, मतलब इनके सॉलिडिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद में वेदरिंग और इरोजन होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, यानी कि अब ये अगर हम मान लें यहाँ पर वनस्पतियों का विकास हो गया, अब शुरू करते हैं मतलब सेकेंडरी रॉक्स कैसे बन रही हैं, बेस आपने प्राइमरी रॉक्स समझ नहीं, अब सेकेंडरी रॉक्स कैसे बन रही है अपसादी चट्टानें। अब मान लिया यहाँ पर इसके ऊपर जो बेसाल्ट के ऊपर जो है हमारा एक लंबे अरसे के बाद में, लंबे समय के बाद में वनस्पतियों का विकास हो गया, मान लिया अब वनस्पतियों का विकास हो गया, और वनस्पतियों का विकास कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ये वेदरिंग और इरोजन के बाद में क्या होगी, सॉयल बनेगी, सॉयल ऊपर का जो उसका महीन महीन कण होंगे तो वो क्या होगी, सॉयल बनेगी, सॉयल बनेगी, उसी के बाद में क्या होगा, वेजिटेशन वगैरह होगा, जब वेजिटेशन वगैरह होगा तो उसके बाद में जीवों का विकास वगैरह होगा। तो अगर मान लिया ये सब हो गया, अब सेकेंडरी रॉक्स कैसे बन रही हैं, अब ये अब मान लिया यहाँ पर इसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो सॉइल के हैं, तो जो सबसे पहले महीन पार्टिकल, जब मान लिया बारिश वारिश हुई है उसका पानी आया है, तो उसके बाद में इस तरीके से नीचे नीचे आते गए, और यहाँ पर आने के बाद में आपको दिख रहे होंगे ये कहाँ पर, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखेगा यहाँ पर मैंने दिखाया है, पतले पतले महीन महीन पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या है, महीन महीन पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, चिकनी मिट्टी है, और चिकनी मिट्टी की एक लेयर नीचे तैयार होगी, क्योंकि सबसे पहले चिकनी मिट्टी ही नीचे बहकर आएगी, फिर उसके बाद में दूसरी लेयर क्या बनी, दूसरी लेयर बनती है कि जो मोटे वाले कण होते हैं, यानी कि सैंड वाला हिस्सा, यानी कि मोटे मोटे जो सॉइल के कण हैं वो आए और वो इकट्ठे हो गए, इसके ऊपर दूसरी लेयर बना ली, क्योंकि पहले पतले कण आ जाएंगे बह के, फिर मोटे कण आएंगे, फिर उसके बाद में तीसरी लेयर बनाई उसने, ये तो दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर क्या बनाई कि जो बचे हुए और उससे मोटे कण थे, और उसके बाद में उसके संग में छोटे छोटे कण चिपक के आ गए, और दोनों मिल के ये तीसरी लेयर बन गई। अब हम इसको समझते हैं, अब ये बन गई तो इन पर प्रेशर पड़ेगा ऊपर से, और लेयर्स आती जाएंगी तो प्रेशर पड़ेगा, तो जो क्ले वाली हिस्सा है वो चिकनी मिट्टी, मतलब इसकी क्ले की शीट बन गई, पूरी क्ले बन गई, और इसी को जब ये प्रेशर पड़ता गया तो ये क्या, मेटाफॉर्मिक, यानी कि उसका रूपांतरण हो गया, यानी कि उसका रूप चेंज हो गया और वो स्लेट बन गई। ऐसे ही ये जो वाली लेयर थी ये सैंडस्टोन कहलाई, बालू का पत्थर, और ये क्या बन गया, इसका रूपांतरण बाद में जब प्रेशर पड़ता रहा तो वो क्वार्ट्जाइट बन गए, यानी कि इनका भी रूप चेंज हो गया। ऐसे ही जो इससे बनी, इन दोनों के मिलने से, यानी कि बालू और सैंड,
वो चिकनी मिट्टी और सैंड के मिलने से जो बनी, उसकी जो लेयर थी वो दबाव के बाद में क्या बन गई, शेल बन गई। और इस सेल का और ज़्यादा दबाव पड़ा तो क्या बन गई, सिस्ट या स्लेट, दोनों रूप में। स्लेट क्या होगी, जो क्ले क्ले वाला हिस्सा है वो स्लेट, और जो मतलब बाकी दोनों के मिलने से बना वो सिस्ट बन गई। तो इस तरीके से ये बना। अब ये हमें समझ में आया सेकेंडरी रॉक्स कैसे बन रही है। अब शादी यानी कि वेदरिंग और इरोजन से ही बन रही है। तो और इनके बाद में इन पर प्रेशर और केमिकल चेंजेस और हीट वगैरह का प्रोसेस चलता रहेगा, तब ये इस तरीके से रूपांतरित वगैरह होती रहती हैं। तो ये अब ये भी ध्यान रखिएगा कौन सी वाली जो है सेडिमेंट्री रॉक क्या बनती जा रही है। तो ये रॉक्स इस तरीके से बनती गई। अब आगे देखते हैं, अब इसी को आगे के प्रोसेस को समझते हैं। अब मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका ये मतलब तीन लेयर तो मैंने समझा दी आपको, जैसे सेल, सैंडस्टोन और किले का कैसे हुआ क्रस्ट के ऊपर बनी। अब क्या होता है, मैंने कुछ लंबे समय के बाद में क्या हुआ, जो वनस्पतियाँ थीं ऊपर से वो भी गिर के, जब उनके अंदर की मिट्टी विट्टी सब हट गई तो वो गिर के आके बह के आके जो भी यहाँ पे उन्हें मिली दरारें या पानी है उसमें आके जमा हो गई। और जमा हो गई फिर उसके बाद में उन पर दबाव पड़ता रहा उस लेयर पे, जब ऊपर और लेयर आ जाएंगी। तो जब दबाव पड़ गया तो आपको यही हिस्सा जो है, पहले तो कोल बनेगा, और दबाव पड़ेगा पेट्रोलियम बनेगा, और ज़्यादा दबाव जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर गैस बन जाएगी। तो ये तीन फॉर्म बन जाती हैं इन्हीं से, किससे, वनस्पतियों से, यानी वेजिटेशन जो है उससे ये सब बनता है उनके दबाव, उनके दबने से। और यही चीज़ जब और ज़्यादा दबाव बनता रहता है तो यही ग्रेफाइट कोल जो है, कोल जो है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई आपकी, ये मेटाफॉर्मिक रॉक कैसे बनी और यहीं पर ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी। अब वहीं पर क्या हुआ, मान लिया पेड़ पौधे हट गए, अब उसके बाद में उस पर जो जीव रह रहे होंगे, यानी कि जो भी एनिमल्स वगैरह हुए या जो भी प्राणी वगैरह उस पर निर्भर थे वो रह रहे होंगे, वो उनकी डेथ हो जाएगी। अब मान लिया उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में उनकी जो बोन्स वगैरह हैं वो बह के आके या इकट्ठी हो गई, एक लेयर बना ली उनने। तो जब इन्होंने ये लेयर बना ली तो उसी को हम उसी लेयर के दबाव के बाद में वो क्या बन जाएंगी, इकट्ठा होकर एक लंबे समय के बाद में चूना पत्थर या लाइम स्टोन। अब लाइम स्टोन क्या हुआ, अब हमारा जो चूना पत्थर है वो क्या होता है, जिससे या तो हम, आपने देखा होगा घर की पुताई लोग करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं चूना सुरती वुरती में भी खाते हैं। तो आप ये सोचिए, आप ये क्या है, ये जीव की हड्डियों का चूरा है जो लंबे समय से दबा हुआ था। अब आप सोचिए, अब आप यही चीज़ अगर कम दबाव रहता है तो चौक में होगा, नहीं तो चूना पत्थर बनेगा। अब आप देखिए इससे आगे, अब ये चीज़ें हुई, अभी इसी को लंबे समय के बाद में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें दिखेंगी कि यही क्या बन गया, संगमरमर बन गया, यानी कि मार्बल बन गया। चूना पत्थर ही क्या हो जाता है, रूपांतरित होकर संगमरमर बनता है, तभी तो आपको सफ़ेद दिखता है ना, चूना पत्थर है और मार्बल भी सफ़ेद सफ़ेद चमकता हुआ दिखता है, कितना शाइनिंग में दिखता है वो। तो चूना पत्थर ही कन्वर्ट हो जाता है संगमरमर में। अब इसी में अगर हम क्या मिल जाता है, सल्फर मिल जाए, अब सल्फ़र मिल जाता है यानी कि CaSO4 बन जाता है। लाइमस्टोन में क्या कहते हैं, CaCO3, चूना पत्थर होता है CaCO3, और अगर उसी में क्या मिल जाए, सल्फ़र मिल जाए तो क्या हो जाता है, वो CaSO4 बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट। तो इसे क्या कहते हैं, सेलखड़ी या जिप्सम। और इसी के बाद में अगर इसमें मैग्नीशियम की मात्रा मिल जाए चूना पत्थर में तो वो डोलोमाइट बन जाता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या मतलब, ये क्या बनेगा, डोलोमाइट भी संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, रूपांतरित चट्टान की बात करें। अब ये सब हमने यहाँ से देख लिया कि जीवों से क्या क्या बन गया और वेजिटेशन से क्या क्या बन गया। अब इसके बाद में आते हैं हम, ये पीट दिख रहा होगा, पीट एक कोयले की फॉर्म है। तो कोयले की फॉर्म कैसे है, अब बाकी जो अगर मान लिया थोड़ा बहुत बचा खुचा रह गया था, पेड़ पौधे की कुछ हिस्से बचे रह गए थे, वो आके हमारे धीरे धीरे जमा होगा इस लेयर में। तो इस लेयर में तो इस पर दबाव कम पड़ेगा क्योंकि ऊपरी लेयर हो गई, अगर मान लिया इस पर दबाव कम है तो यहाँ पर क्या बन गया, पीट कोयला है, कोयले की ये मतलब सबसे बेकार फॉर्म होती है, मतलब सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, जो कि कहते हैं ना कि बहुत दबाव के बाद में बना होगा, प्रेशर बहुत पड़ा होगा इस पर, तो उसके बाद में जो सब बना होगा तो वो वहाँ पर बनेगा कौन सा, एंथ्रेसाइट। यहाँ पर क्या बना है, पीट है, ये पीट ये सबसे बेकार वाला कोयला।
अब क्या होता है कि इससे ऊपर आपको दिख रहा होगा गोलास्म। गोलास्म क्या है, अब जब ये सब निकल आया तो बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह हैं वो सब इकट्ठे होने लगे आके। अब वो इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक लेयर बना ली, तो उसको क्या कहा गया, कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब गोलास्म। तो ये बड़े बड़े गोले इकट्ठे होकर एक दूसरे में, मतलब हल्की हल्की जो सैंड है उसके साथ में जुड़ के बन गए क्या, कॉन्ग्लोमेरेट। अब वही चीज़ क्या होती है, क्वार्ट्ज। तो आपने मैं देखा होगा यहाँ पे क्वार्ट्ज कौन कौन सा कन्वर्ट होता है, बालू का पत्थर यानी कि है ना, छोटे छोटे जो सैंड के पार्टिकल जब जुड़ जाते हैं तो वो सैंड स्टोन बन जाते हैं और वही क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब बड़े बड़े गोले पत्थर हैं वो भी तो किससे बने हैं, बने तो उसी से हैं ना, सॉइल मतलब सॉइल से ही। तो अब वो हो गए बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे होकर जब जुड़ गए आपस में तो वो क्या बन गए, वो भी रूपांतरित हो गए क्वार्ट्जाइट बन गए। अब क्या हो जाता है, साल्ट रॉक की बात करते हैं। तो अगर सॉल्ट रॉक को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन इस तरीके से देखेगा, जैसे मान लिया पहले जो फोल्डेड माउंटेन्स थे बने हैं बाद में, उससे पहले क्या था वहाँ पर, क्या था वो सेडिमेंट्स थे, किसमें मतलब कोई एक पानी वाले एरिया में जहाँ पर नदियाँ गिर रही थी, अब सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो कहते हैं ना समुद्र में क्या बनता है, नमक का निर्माण हो जाता है इवेपरेशन से। तो अब वही चीज़ें क्या हुई, अब एक लंबे समय के बाद में ऊपर की तरफ वो सेडिमेंट्स उठते गए तो वो क्या हो गए, फोल्डेड माउंटेन्स हो गए। तो उनके बीच में जो नमक का हिस्सा जहाँ जहाँ पर ज़्यादा था वो सॉलिड होके क्या बन गया, नमक की चट्टानें बन गई। मतलब नमक ही है लेकिन नमक की वो चट्टान के रूप में प्रेशर के बाद में नमक की चट्टान बन गई, जिसे हम कहते हैं ना सेंधा नमक वगैरह खाते हैं हम। तो वो ये क्या है, ये वो है हमारा सॉल्टेड रॉक्स हैं और उन्हीं रॉक्स से वो सॉल्ट निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई रॉक सॉल्ट। अब इसके बाद में इससे ऊपर दिख रहा है लोयस। लोयस क्या है, ऐसे एरिया से जो एरिड रीजन है वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं तो ऊपर की जो मोटी मोटी रेत होती है वो इकट्ठी होती जाती है और एक जगह एक इकट्ठा होके एक वो पठार जैसा बना लेती हैं, या थोड़ा सा बड़ा सा हिस्सा एक बना लेती हैं, थोड़ा सा बड़ा पठार जैसा हिस्सा। तो उन्हें क्या कहते हैं, लोयस। लोयस मतलब मिट्टी के ढेर हो गए। तो यही चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि अगर हम देखें कि अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई ये सारी। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम समझ में आ जाएंगे आपको और उनके बाद में क्या बनी इनकी मेटाफॉर्मिक रॉक्स कौन सी बनी। अब हम ये देखते हैं क्या मेटाफॉर्मिक रॉक्स से और कुछ बन सकता है मेटाफॉर्मिक रॉक भी और चेंज हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। अगर हम मेटाफॉर्मिक रॉक की बात करें तो अगर ये देखें तो यही चीज़ें पिघल जान लगती हैं नीचे, अगर क्रस्ट के हिस्से से नीचे पिघली इनका हुआ, फिर उसके बाद में दोबारा से इनका मैग्मा चैम्बर से आके उनका रूपांतरण हो सकता है। और उसके बाद में क्या देखें, अगर हम यहीं पर देखें इंट्रूसिव रॉक्स में और कौन कौन सी है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डायोराइट है, और जो एक्सट्रूसिव बेसाल्ट हैं, बेसाल्ट की चट्टानों, केवल बेसाल्ट ना कह के बेसाल्ट की जगह प्यूमिस भी मिलेंगी, ऑब्सिडियन भी मिलेंगी। तो हमने ये देखा कि इंट्रूसिव भी रॉक्स ग्रेनाइट के अलावा भी गैब्रो डायोराइट हैं और ये भी हैं, और भी हैं बहुत, लेकिन ये मेन मेन है जो बता दी मैंने। अब ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ये स्लेट जो चेंज हो रही है, ये स्लेट और चेंज हो रही है किसमें, फाइलाइट में। तो ये स्लेट हो रही है फाइलाइट में चेंज, मतलब स्लेट पे भी और प्रेशर पड़ता रहेगा तो ये फाइलाइट में चेंज हो जाएगी, या फिर इसके हीट और उसका रिएक्शंस वगैरह होते रहेंगे और वेदरिंग वगैरह का, तो ये चीज़ होगी। अब यहीं पर आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जो ज़्यादातर आप हमेशा किताबों में पढ़ते रहते हैं और सब जगह पढ़ते हैं वही देखिए आप, ये सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटाफॉर्मिक और ये मैग्मा। तो वही साइकिल है जो हमने सीखी थी, अब आपको समझ में आ जाएगा। इग्नियस रॉक्स, इनकी मेल्टिंग हुई है, इन्हीं की मेल्टिंग हुई और यहीं पर मेटाफॉर्मिक की मेल्टिंग हुई, यानी कि इग्नियस और मेटाफॉर्मिक के मेल्टिंग से बना मैग्मा और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से ही बन गया इग्नियस रॉक्स। तो मेल्टिंग भी हो रही है और सॉलिडिफिकेशन भी हो रहा है। अब ये देखिए इग्नियस रॉक्स कौन सी है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दो तरीके की आपको दिख रही इग्नियस रॉक्स दिख गई। अब इन्हीं पर वेदरिंग और इरोजन हुआ, फिर क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये क्या हो रहा है, डिपोजिशन कंपोजिशन वगैरह। अब ये क्या है, आपको दिख रहे होंगे दो सैंड स्टोन जो मैंने दिखाई, और क्या है लाइम स्टोन वगैरह, ये दिख गया। अब इसी में अगर सेडिमेंट्री पे क्या हुआ, चेंजेस बाय हीट और केमिकल एक्शन। हीट और केमिकल एक्शन कैसे हो रहा है, यानी कि मैंने बताया प्रेशर पड़ रहा है तो हीट और हो रहा है, और बाकी केमिकल एक्शंस वगैरह भी अगर हुए तो हमारी मेटाफॉर्मिक रॉक्स बनी।
तो मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्या हो रहा है, ये हमारी जैसे दिख रही है सिस्ट, अब ये सिस्ट बनी हुई है मेटाफॉर्मिक, और इसी में अगर प्रेशर वगैरह और पड़ेंगे, सिस्ट है मेटाफॉर्मिक में ही, मार्बल भी दिख रहा है, सिस्ट भी दिख रही है, ये मेटाफॉर्मिक है। अब इन्हीं पे प्रेशर पड़ा, हीटिंग हुई और ये मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर फिर से मैग्मा बन गई। तो आपको दिख रहा होगा यही चीज़ें हैं, और यहीं पर मैंने बताया मेटाफॉर्मिक से क्या वेदरिंग और इरोजन से क्या बन जाती हैं, और मेटाफॉर्मिक भी दोबारा रूपांतरित हो सकती हैं, ऐसी इग्नियस भी चेंज होके क्या सीधे बन जाएंगी, मेटाफॉर्मिक भी बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है जो मैंने आपको रॉक साइकिल सिखा दी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से होगा। अब ये दिख रही है यहाँ पर भी आपको, वो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, ये इंट्रूसिव है ग्रेनाइट और ये एक्सट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव मैंने बाहर वाली और इंट्रूसिव इंटरनल वाली। अब यहीं पर जो मैंने दिखाया ये किस तरीके से आपको ये ग्रेनाइट से नीस बनी, ये क्या है, अगर यही ग्रेनाइट का जो पार्ट है ऊपर की तरफ यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इससे वेदरिंग और मतलब इरोजन वगैरह हुआ, उसके बाद में ऊपरी हिस्सा दिख गया। अब यही ऊपरी हिस्सा जो है बाद में चेंज होता गया, रूपांतरण के बाद में क्या बन गया, नीस। तो ये क्या ग्रेनाइट का बनना है, नीस, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये आपको दिख रहा है जो बेसाल्ट का दिख रहा है, बेसाल्ट किस में बनना है, एम्फिबोलाइट, ये बेसाल्ट जो है वो बनता है एम्फिबोलाइट। तो इस तरीके से ये रूपांतरित भी हो रही हैं डायरेक्ट, कौन सी वाली, मेटाफॉर्मिक तो देख ही लिया और इसके बाद में रूपांतरित है मेटाफॉर्मिक, मतलब सॉरी सेडिमेंट्री तो देख ही लिया इनका, और मेटाफॉर्मिक भी देख लिया, एम्फिबोलाइट कैसे बेसाल्ट से, और नीस किससे बन रही है, ग्रेनाइट से। तो ये चीज़ें आपको सब समझ में आ गई होंगी। तो रॉक फॉर्मेशन अब आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं। तो मानविका WCIS आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। अगर आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो ज्योग्राफी के और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, नए नए लोगों को जोड़ते रहिए, जिससे मेरा मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूं। देखने के बाद में प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे मेरा ये उत्साह बना रहे। धन्यवाद।